लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे सुंदरीकरण को लेकर सितारगंज की जनता ने सवाल उठाए हैं। नगर के किछुआ रोड खटीमा रोड पर अभी तक समीकरण का कार्य पूरा नहीं किया गया है। सड़कें टूटी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर व्यापारी तथा राहगीर धूल मिट्टी से परेशान हो गए हैं तथा आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। सितारगंज लोक निर्माण विभाग द्वारा खटीमा मार्ग के काम को बीच में ही अधूरा छोड़ सिलकुड़ रोड को तोड़कर नया कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में जनता को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बढ़ जाएगी, इसलिए सितारगंज की जनता की ओर से उप जिला अधिकारी निर्मला विष्ट को ज्ञापन दिया गया है। निर्दलीय चेयरमैन हरीश दुबे और सभासद रवि रस्तोगी, सभासद अक्रम वेग और अन्य लोग मौजूद रहे। और हमने इसी विषय पे जो है एक्शन अपनी हदगर्मिता पे आए हुए हैं लोक निर्माण विभाग के। हमारा ये कहना है मात्र कि जो लोक निर्माण विभाग द्वारा सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है हमारे नगर के अंदर, उसमें जो किच्छा रोड और खटीमा रोड जो है जिसपे इन्होंने जो है कि आधा अधूरा काम कर रखा है और सब जगह जो है रोडें तोड़कर छोड़ रखी है और ग्रिल भी पूरी नहीं लगाई है, उसमें जो है कि लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और 3 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है, जो बहुत ही गंभीर बात है। भविष्य में भी जो है कि ऐसी दुर्घटना जो है कि की पुनरावृत्ति ना हो, और ये जो है कि अपने सिटकुल रोड पे इन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया है और उसको भी ये रोड को तोड़ के छोड़ देंगे। हमारा मात्र इतना कहना है, हमने पहले मौखिक रूप से कहा था लेकिन आज हमको आवश्यकता पड़ी, हमारा पूरा बोर्ड सारे हमारे सभासद सभी लोगों ने हमने उप जिलाधिकारी के माध्यम से भी ये कहा है कि आप जो है कि पहले अधूरे काम को किच्छा रोड और खटीमा रोड का जो अधूरा काम है लोक निर्माण विभाग का, पहले उसको पूरा कर लीजिए और पूरा करने के बाद ही तीसरी रोड का आप निर्माण प्रारंभ कीजिए। सुंदरीकरण का कार्य जो लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर में किया जा रहा है, अच्छी बात है, शहर को सुंदर बनाया जाए, लेकिन ये सुंदर ना बनाकर और भी शहर को खराब करने में लगे हैं। हमारी मांग इतनी है कि हमने आज जो है चेयरमैन साहब के साथ पूरे बोर्ड ने हमारे जो है एसडीएम साहब को मिलकर ज्ञापन दिया है, वो इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है कि जो शहर की और सड़कें हैं खटीमा और किच्छा रोड पर जो जहां पर लोक निर्माण विभाग का कार्य चल रहा है, पहले वो उसको पूरा करें, उसके बाद ही कहीं और अन्यथा नई जगह पर वो कार्य को शुरू करें, जिससे कि जो कार्य उन्होंने किया है उससे रास्ता बहुत ही कम हो गया है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से 3 एक्सीडेंट हो गए और वो इतने भयानक एक्सीडेंट थे कि उन 3 एक्सीडेंट में लोगों की मौत हो गई। हम लोगों की इतनी मांग है कि पहले जो है जो आधे अधूरे कार्य हैं लोक निर्माण विभाग के सौंदर्यीकरण में पहले उनको पूरा किया जाए, उसके बाद ही कोई नया कार्य शुरू किया जाए।